देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत ही ऊंची राजनीति है। 2008 की घटना है जब मुंबई पर कसाब और 10 आतंकवादियों ने हमला किया था। 2008 से लेकर 2014 तक देश में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, और आज चलकर चुनाव की राजनीति के लिए और वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग उज्जवल निकम जैसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। उज्जवल निकम उस व्यक्ति का नाम है जिसने मोदी जी की मदद से अमेरिका में जाकर डेविड हेडली की जो साक्ष्य है उसको रिकॉर्ड करके, उसको ऑनलाइन करके, और उसके माध्यम से पाकिस्तान ने किस प्रकार से यह प्लॉट तैयार किया और कसाब किस प्रकार से दोषी है, ये कैसा षड्यंत्र था, इस प्रकार से पूरे पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक्सपोज किया। हमारे कोर्ट ने निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने उसको कायम रखा, सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा, और कसाब को फांसी मिली। इनको चिंता हमारे शहीदों की नहीं है। जब ये ऐसी बात करते हैं तो जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी, चाहे वो हेमंत करकरे जी हो, चाहे वो हमारे तुकाराम मुंबले हो, चाहे हमारे कामटे जी हो, चाहे सळसकर जी हो, इन सबकी शहादत पर एक प्रश्न खड़ा करने का काम कांग्रेस कर रही है। इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस अजमल कसाब के साथ और हम लोग उज्जवल निकम के साथ।